वीरभद्र। वीरभद्र शिव का एक छोटा सा हिस्सा है। शिव, शिव हिंसा, शिव खुद हिंसा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपना एक बाल लिया और उसे वीरभद्र में बदल दिया। शिव के जीवन में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई थी जहां एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी सती उसका शिकार हुई और उन्होंने खुद को जला लिया था। जब शिव ने यह सुना तो वे कुछ करना चाहते थे, पर उनके कुछ हिस्से इतने शांत थे कि उनका सिस्टम युद्ध के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने अपना एक बाल निकाला और उससे वीरभद्र को पैदा किया। वीर यानी बहादुर या साहसी। वीर शब्द असल में वीर्य शब्द से बना है। वीर्य का अर्थ है शुक्राणु, यानी वो बीज जिससे मनुष्य का जन्म होता है। ये दोनों पहलू आपस में जुड़े हुए हैं, यानी शिव के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने कभी अपना शुक्राणु नहीं गिराया। तो इसका महत्व बस यही है कि शरीर की बुनियादी जीवन ऊर्जा को शारीरिक रूप से बिखेरने और बच्चे पैदा करने के बजाय उन्होंने उसी ऊर्जा का इस्तेमाल चेतना के शिखर पर पहुंचने के लिए किया। उनकी ऊर्जा सिर के ऊपर से बिखरती है। किसी भी योगी को तब तक योगी नहीं कहा जा सकता जब तक कि वे अपने सिर के ऊपर से ऊर्जा नहीं छलकाते। तो वीरभद्र सिर्फ एक बाल थे, सिर्फ एक बाल, और उन्होंने ऐसी तबाही मचाई कि अकेले ही उन्होंने उस राजा की पूरी सेना को खत्म कर दिया जिसने ये अन्याय किया था। इस कहानी से ये बताने की कोशिश की गई है कि क्योंकि शिव ने अपने सिर के ऊपर से अपना वीर्य छलकाया था, इसलिए उनके बाल इतने शक्तिशाली थे कि सिर्फ एक बाल से पूरी सेना नष्ट हो गई। और एक बार जब कोई इंसान बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, तब स्वाभाविक रूप से उसका शरीर से लगाव बहुत कम हो जाता है। जब उसका शरीर से लगाव बिल्कुल कम हो जाता है, तब उसमें डर की भावना मौजूद नहीं होती है, और जब डर नहीं होता तो वो स्वाभाविक रूप से बहादुर होता है। वीरता इसी का परिणाम है।